अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स चिकन लिया है, जिसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। दही हमारा खट्टा है, फैटा हुआ है। एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से कर लें या चम्मच से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बस सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे, आधे घंटे के लिए या टाइम की सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने आधा कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को थिनली स्लाइस कर लिया था, बिल्कुल पतला पतला। अब हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 10 से 12 काजू के टुकड़े ऐड करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को फ्राई करना है। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमें इसे जब तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ कड़वा टेस्ट आएगा और ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। बस अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से फैला लेंगे इस चिकन को पैन में। अब हम इस चिकन को मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि जो चिकन है और दही है वो अपना पानी छोड़ने लग जाएगा। अब आपको इस चिकन को सेम पानी में 90% तक कुक करना है। इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, 90% कुक करेंगे पूरी तरह कम्प्लीटली। कुछ भी ऐड नहीं करना, इसी पानी में हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से कुक हो गया है, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साइड पे कर देंगे। अब मैंने सेम पैन ले लिया है जिसमें हमने पहले प्याज फ्राई की थी। सेम ऑयल में हम 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। ज़्यादा साबुत मसाला ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर वो मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसलिए हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो चला जाए। इन सभी मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लेंगे, जिसको हमने एक प्यूरे बना लेना है। उन पर टमाटो की प्यूरे इसमें ऐड करेंगे। टमाटो की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को कुक करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए और हमारा मसाला जो है उनका कच्चापन चला जाए और अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है, सभी मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें काजू और प्याज का जो पेस्ट हमने बना करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाए। देखिए, किनारों पर ऑयल आ गया है इसका। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट इसी स्टेज पर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पहले मैरिनेट करके रखा था। चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को भी अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए चला करके। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करते समय फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, अदरवाइज दूध फट सकता है। इसलिए दूध ऐड करते टाइम
हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर दें और अब इसमें हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम इसको कवर करेंगे और हम इसको कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में चेक करते रहें, चलाते रहें। ये देखिए, यह हमारा अच्छे से हो गया है कुक। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर देती है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, कसूरी मेथी ऐड ज़रूर कीजिएगा। ऐड करने के बाद हम इसको अगेन कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए यहाँ पर यह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे हरे धनिए और 2 हरी मिर्च से गार्निश कर दूँगी। ये 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे, हरे धनिए को ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। बस अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर यह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, सर्व कर लेते हैं। यह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।